वक्त हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार ज्ञानचंद गुप्ता जी। नमस्कार ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बार फिर से पार्टी का भरोसा, पार्टी का टिकट मिला है, क्या कहें? धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का और केंद्र की पूरी टीम का और साथ में प्रदेश के हमारे आदरणीय अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझकर तीसरी बार फिर से एक विश्वास व्यक्त किया है और मैं आपके माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपको भी मालूम है कि जब टिकट के ऐलान के लिए इंतजार किया जाता है, मंथन चल रहा होता है, तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और इस तरह की चर्चाएं थी कि आपकी टिकट भी संकट पर है। तो जब इस तरह की खबरें आप तक पहुंचती थी तो आप किस तरह की प्रतिक्रिया देते थे इस पर? नहीं देखिए, ये राजनीति के अंदर हर एक कार्यकर्ता का अधिकार है कि टिकट के लिए कोशिश करे जी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था अपने काम के आधार पर, जो मैंने 5 साल 10 साल सेवा की है, उस सेवा के आधार पर के जो नेतृत्व है मेरे काम के आधार पर मुझे फिर मैदान में टिकट देगा और मैं आपके माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उनके विश्वास पर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। एक सवाल कमल कौशिक भी मेरे साथ सहयोगी हैं, वो करना चाहते हैं आपसे। जी कमल सर, आपका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होगा, किस तरह से आप जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे और चुनाव में आप किस तरह से वोट मांगते नजर आएंगे, ये हमारे माध्यम से अगर आप कौशिक जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड आज से लगभग 15 दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के माध्यम से लोगों के बीच में रखा था कि हमने पिछले 10 साल के अंदर जो कार्य किए हैं उनकी पूरी सूची जो है कि हमने अपने रिपोर्ट कार्ड के अंदर दी थी कि किस प्रकार से लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य इस विधानसभा के अंदर हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि उसी का परिणाम है कि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उस काम को देखते हुए, जनता का जो विश्वास है उसको देखते हुए मुझे फिर से चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला से विधायक हैं।